हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है हैंडलिंग द गेस्ट। और जो भी हमारे ऐसे क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे कि हमारी सेल्फ सर्विस होती है, वहाँ पे हम लोग इस ट्रेनिंग को करवाते हैं। पर्पस क्या होता है, एक प्रॉपरली स्क्रिप्ट दी जाती है। जो भी काउंटर पे हमारा लड़का खड़ा होगा, कोई लड़की खड़ी होगी, कोई मैनेजर खड़ा होगा, कोई भी काउंटर बॉय खड़ा होगा, ताकि वो उन चीज़ों को प्रॉपरली याद कर ले और सेम वही वही चीज़ वो बार बार रिपीट करे और जो हमारी कस्टमर हैंडलिंग को सही ढंग से कर पाए। अब यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम लोग एक सेल्फ सर्विस की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गेस्ट है खाना लेके खुद जा रहा होता है, बट यहाँ पे अगर हमको एक रेस्टोरेंट या ऑनर के व्यू पॉइंट से देखें तो हम लोग किस प्रकार से अपनी सेल्स को इंक्रीज करें। तो यहाँ पे कुछ सजेस्टिव सेलिंग जो काउंटर बॉय से या मैनेजर द्वारा की जाती हैं, ठीक है, जिससे कि उनकी सेल इंक्रीज हो। तो जो स्क्रिप्ट है मैंने यहाँ पे लिख के रखी, जो कि कस्टमाइज करके हमने इस आउटलेट के लिए बनाई है, तो सेम इसी प्रकार की चीजें आप लोग अपने आउटलेट्स के लिए भी कर सकते हो। जिस प्रकार से कोई मूवी होती है, वहां पे एक हीरो का एक रोल होता है, हीरोइन का एक रोल होता है, और हर किसी को एक स्क्रिप्ट दी जाती है कि आपको ये बोलना है। तो सेम उसी प्रकार से हम लोग अपने काउंटर का जो भी स्टाफ होता है उसको एक स्क्रिप्ट दे देते हैं, ठीक है, ताकि वो सेम चीजें बार 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 बोले, और जब वो सेम चीज को बार 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 रिपीट करता है तो उसको प्रॉपरली आइडिया हो जाता है कि वो किस तरीके से कस्टमर को हैंडल करेगा। इससे आपकी सर्विस में बहुत ज्यादा इफिशेंसी आती है, आपके जो कस्टमर खुश होते हैं, साथ साथ जब भी वो ऑर्डर करते हैं तो हमेशा वो ज्यादा ऑर्डर करते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका जो प्रॉफिट का मार्जिन आप लोगों का बढ़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट है वो है हमारा कि गेस्ट को ग्रीट करना है। अब गेस्ट को ग्रीट करने में कि ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस, आपके फेस पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए, सबसे मेन पॉइंट। दूसरा, आपको ग्रीट करना है कस्टमर को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ठीक है। अगर वो 7 बजे से लेके 11 बजे तक आप बोल सकते हैं, या 12 बजे तक हम बोलेंगे, मॉर्निंग हो गया, फिर 12 से 4 मैं बोलता हूँ तो हमारा आफ्टरनून हो गया, और 4 से रात के 12 बजे का जो टाइम होता है हमारा इवनिंग का होता है। तो जो भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम उसको ग्रीट कर रहे हैं। दूसरा, आपने उसको ग्रीट कर दिया सर को बिल्कुल स्माइल के साथ, मैम को स्माइल के साथ, फिर हाउ आर यू मैम, या अगर आप इंग्लिश नहीं बोल रहे तो आप हिंदी बोलिए, मैम कैसे हो आप, आपको ये बोलना है। इससे एक तरीके से पर्सनलाइज टच जाता है जो भी आपके सामने है। फिर आपको आपका जो मेन्यू है वो उनको पकड़ा देना है, ठीक है, क्योंकि वो आपके काउंटर पे खड़े हुए हैं, आपने उनको मेन्यू पकड़ा दिया है। अब वो 2 या 3 मिनट लेंगे आपको मेन्यू को देखने के लिए, या अगर आपके आपके आसपास कुछ भी पैम्पलेट्स वगैरह लगे पड़े हैं या कहीं बोर्ड पे आपका मेन्यू, तो उसको देखेंगे। तो 2-3 मिनट का उनको आपको समय देना है। उसके बाद अगर वो तब भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको पूछना है कि सर और मैम, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, नहीं तो 2-3 मिनट के अंदर जो गेस्ट है वो आपको खुद ही बता देगा। उसके बाद आपको उनके प्रेफरेंसेस पूछने हैं कि मैम आप वेज लोगे, सर आप नॉन वेज लोगे, और आपको ये भी पूछना है कि आप स्पाइसी लोगे या नॉन स्पाइसी लोगे। तो ये 2-3 छोटी छोटी चीज़ें आपको पूछ लेनी है। जब उन्होंने आपको अपनी प्रेफरेंसेस बता दिए, वेज नॉन वेज बता दिया, उसके बाद आपको सजेस्टिव सेलिंग करनी है, ठीक है। सजेस्टिव सेलिंग का मतलब है कि हमारे जैसे मेन्यू के अंदर, हमारे मेन्यू में हमारे स्नैक्स हैं, तंदूर के स्नैक्स हैं, चाइनीज के स्नैक्स हैं, कॉन्टिनेंटल के स्नैक्स हैं, हमारे ड्रिंक्स हैं, हमारे डेजर्ट्स हैं, रोल है, पिज्ज़ा, पास्ता, बर्गर है। तो आपको उनको एटलीस्ट 2 या 3 यहाँ पे कैटेगरी सजेस्ट करनी है। आपको स्नैक्स में से कुछ बोल देना है, वहां से कुछ बोल देना, जो भी आपके टॉप सेलिंग आइटम है या आप लोगों की सिग्नेचर डिशेज है या कोई भी डे स्पेशल है। पहली पॉइंट ये हो गया। या आपको ज्यादा भी उनको ऑप्शन नहीं देने, 1 या 2 ऑप्शन उनको आपको देने, क्योंकि अगर आप ज्यादा भी ऑप्शन दोगे ना तो वो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जब उन्होंने एक चीज को ऑर्डर कर दिया, मान लीजिए उन्होंने आपसे बोला कि भाई मुझे एक सैंडविच आप दीजिए, जब उन्होंने ये कंफर्म कर दिया तो उसके बाद आपको उनको दूसरी कैटेगरी बोलनी है। दूसरी कैटेगरी मतलब कि आपको उनको ड्रिंक पूछना ही पूछना है, ठीक है, और जब ड्रिंक के लिए वो हाँ ना बोले तो उसके बाद आपको डिजर्ट पूछना ही पूछना है। तो एटलीस्ट आपको 3 कैटेगरी तो उनको पूछनी ही पूछनी है। अगर आप ऐसे रोजाना 20 लोगों से भी बोलोगे तो एटलीस्ट 3 लोग जरूर कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका जो सेल्स है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज जरूर हो जाएगा। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। फिर जब आपका मान लीजिए कि ऑर्डर हो गया है, ऑर्डर गेस्ट ने कर दिया, तो आपको रिपीट करना है जो भी गेस्ट ने बोला है, दोबारा से रिपीट करना है और कंफर्मेशन लेनी है कि जो भी ऑर्डर है वो सही है। अगर कुछ गलती उस समय होगी तो वो भी आपकी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। अगर कोई गलती है तो उसको करेक्ट कीजिएगा, और फिर जो भी मेन्यू या जो भी डिशेज उन्होंने बोली है उसको आपको प्रॉपरली, आपके पास अगर सॉफ्टवेयर है सॉफ्टवेयर में, या आप जो नॉर्मल पैड पे ही अगर ऑर्डर ले रहे हो उस पर आपको उनको बना के दे देना है। इसके बाद 2 कॉपी आपकी यहाँ पे निकलेंगे, 1 कॉपी आपको देनी है किचन के अंदर, जिससे कि आपके जो शेफ लोग खाना प्रिपेयर करेंगे, दूसरी आपके पास जाएगी कस्टमर के पास, जिसमें कि कस्टमर चेक करेगा, अच्छा मैंने ये डिश ऑर्डर करी है, और टोटल प्राइसिंग का वो आपको फिर पेमेंट करेगा।
अब आपको पेमेंट लेनी है, पेमेंट आप कैश से ले सकते हैं, कार्ड से ले सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, ठीक है, दुनिया भर की ऐप है, आप किसी से भी उनकी पेमेंट ले सकते हैं। इसके बाद अगर कस्टमर ने आपको कैश दिया है और कुछ चेंज या बिल बाकी है या कुछ भी पैसे बाकी है तो आपको उनको वापस कर देना है, ठीक है। या फिर अगर आपके अगर आपने गैस से पेमेंट ली है, क्रेडिट से, कार्ड से, तो कार्ड आपको उनको वापस कर देना है। लास्ट में आपको गेस्ट को खाना दे देना है या गेस्ट खुद ही अपना खाना सेल्फ सर्विस है तो ले लेगा, और उनको आपको थैंक यू बोलना है, सर मैम इंजॉय योर मील, और उसके बाद आपको बोलना है कि सर मैम आप अपने फीडबैक आप हमको जरूर दीजिएगा, चाहे जैसे भी अच्छे बुरे, और आप दोबारा से हमारे आउटलेट को जरूर विजिट कीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रॉपरली हम लोगों ने इस आउटलेट के लिए स्क्रिप्ट बना के रखी है। बाकी अगर आपका टेक अवे आउटलेट है, डाइन इन आउटलेट है, कोई बार है, कोई होटल है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी स्क्रिप्ट को यहाँ पे कस्टमाइज करना पड़ता है, ताकि जो आपके काउंटर बॉय हैं और जितने भी खड़े हैं, कोई मॉर्निंग में आ रहा है, आफ्टरनून में आ रहा है, तो सेम ही चीज़ अपने कस्टमर को बोले। होपफुली इस ट्रेनिंग से आप लोगों को काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। इसी प्रकार की ट्रेनिंग हम आप लोगों के लिए करते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।